हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप्स अलर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी वीडियो है वो यूएस फंडेड मेरिट एंड नीड्स बेस्ड स्कॉलरशिप की जानिब से है, जो कि 2K21 सेशन के लिए अनाउंस हो चुका है। जैसा कि आपको पता होगा कि ये हर साल जो है वो अनाउंस होता रहता है स्कॉलरशिप, ये बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा गाइड करूँगा कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और ये स्कॉलरशिप फाइनेंशियल सपोर्ट में आपको आपकी क्या कवर करेगी, ठीक है। उसके बाद स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोसेस क्या है और वो कौन सी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ जो कि स्कॉलरशिप शॉर्ट कोर्सेज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन के हवाले से होती है वो आप तक मौसूल हो। तो ये जो है वो स्कॉलरशिप यूएसएड मतलब कि 2004 से है और ये हर साल अनाउंस होती रहती है, जो कि बहुत ही अच्छी है। जो वो स्टूडेंट्स जो कि अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाते तो उनके लिए है, और ये स्पेशली फ़ीमेल स्टूडेंट्स के लिए है। तो फ़ीमेल स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको हाईली मैं इनक्रेज करूँगा कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। उसके बाद अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो ओनली फीमेल स्टूडेंट्स विद द एकेडमिक सेशन 2K21 इन 30 पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस। तो ये फीमेल्स के लिए है और सेशन 2K21, और इसमें जो है वो 30 पब्लिक पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, मास्टर्स एमबीए एमएस एमफिल एजुकेशन टीचिंग डिग्री प्रोग्राम इन सिलेक्टेड डिसिप्लिन्स अलाउड अंडर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ये सारी फील्ड्स हैं, यानी कि मास्टर्स के हैं, अगर आप एमबीए के हैं, एमएस के या एमफिल के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो अगर हम फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो उसमें ये है कि द नीड्स बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम कवर्स फंड्स द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ी है, आपके बुक्स का खर्चा है, और बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशंस, अदर एकेडमिक कॉस्ट्स। तो ये जो है वो आपके सारे फाइनेंशियल सपोर्ट आपको ये स्कॉलरशिप करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम अप्लाई करने का तरीका या अप्लाई करने का अगर हम कहें तो अप्लाई इसमें ऑनलाइन ही होता है। तो उसकी लिंक, ये वाली जो लिंक है नीचे मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, आप वहां से जो है वो इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताता हूं कि आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, पूरा फॉर्म आपको मैं बताता हूँ कि कैसे हमें फ़िल आउट करना है। उसके बाद जैसे ही आप फॉर्म को फिल करते हैं, द सबमिट प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू दी स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो जैसे आप एप्लीकेशन को अच्छे तरीके से फिल करते हैं तो सबमिट के बाद आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी फाइनेंशियल एड ऑफिस जो है वो वहाँ पर आपको जमा करवाना है। प्लीज़ डू नॉट सेंड हार्ड कॉपीज़ ऑफ़ दी एप्लीकेशन फॉर्म टू HEC। आपने HEC को कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। फॉर मोर डिटेल, अगर कोई और जानकारी आपको जानी है इसके बारे में तो आप अपनी फाइनेंशियल एड ऑफिस जो यूनिवर्सिटी की है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ये कुछ नोट है जो कि आपको बताना ज़रूरी है, जिसमें ये है कि दो साल के जो प्रोग्राम्स हैं BA BSc के वो इसमें एलिजिबल नहीं है, और स्कॉलरशिप अवार्ड विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट, वेयर द HEC रिजर्व द राइट टू कैंसिल द स्कॉलरशिप अवार्ड इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट इज फाउंड ड्यूबियस आर इनकरेक्ट। तो ये जो स्कॉलरशिप है वो प्योरली मेरिट पे है, और HEC को ये राइट है कि वो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल भी कर सकती है अगर आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी तो। उसके बाद इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन सिक्योर्ड ऑन सेल्फ सस्टेन सेल्फ सपोर्ट सेल्फ फाइनेंस बेसिस आर इवनिंग प्रोग्राम विद हायर फ्यू स्ट्रक्चर्स आर इनएलिजिबल। तो वो सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आपकी अगर एडमिशन जो है वो सेल्फ फाइनेंस पे है या सेल्फ सपोर्ट पे है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, एवनिंग प्रोग्राम वाले भी अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट अवेलिंग एनी अदर स्कॉलरशिप आर कंटिन्यूस ग्रांट आर इनएलिजिबल। तो वो स्टूडेंट्स जिनको पहले से कोई स्कॉलरशिप मिल रही है या पहले मिल चुकी है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, उनको ये नहीं मिलेगी। उसके बाद जो है वो स्कॉलरशिप अवार्ड प्रोसेस का कुछ ये है कि द एप्लीकेशंस ऑफ द ऑल पोटेंशियल कैंडिडेट्स आर रिव्यूड बाय द इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी। तो आपकी जो है वो इंस्टीट्यूशनल कमेटी आपका जो है वो ये पूरा फॉर्म जो है वो रिव्यू करेगी, जिसमें
द कमेटी इज हेडेड बाय द वाइस चांसलर ऑफ द पार्टिसिपेटिंग यू नो इंस्टीट्यूशंस, तो आपका वाइस चांसलर होगा, ठीक है, अलॉन्ग विद द मेंबर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस, आपके इंस्टीट्यूट के मेंबर्स भी होंगे, उसके अलावा एक्सटर्नल मेंबर्स भी होंगे. दिस इज़ डन इंश्योर इम्पार्शियली एंड ट्रांसपेरेंसी. तो ये वाला होगा आपका, मतलब जो कि ISAC जो कमेटी है वो आपका जो है वो फॉर्म रिव्यू करेगी. उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो HEC को सेंड किया जाएगा और HEC जो है वो इसको देखकर फाइनल जो है वो, अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो जो भी आपका फ़ंड है वो आपको यूनिवर्सिटी को, आपकी यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र करेगी. उसके बाद जो है वो फ़ंड आपको मिलेगा, ठीक है. उसके बाद जो है वो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट अगर हम देखें तो ये वो सारे इंस्टीट्यूट और अपने यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर है, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम है, और लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर वाटर मैरीन साइंसेस. तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आप यहाँ से चेक कर लें. अगर मैं इन वन बाय वन हर एक का नाम लूँगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी. तो अब हम चलते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है. अप्लाई करने के लिए ये जो हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ ना, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ये वाली जो लिंक है इस पर क्लिक करना है आपने. ये लिंक मैं नीचे वीडियो में दे दूँगा. जैसे आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है वो ये वाला डैशबोर्ड ओपन होता है. अब ये जो डैशबोर्ड एक्चुअली आपके जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन का है, जिसमें अगर आपका ई पोर्टल बना हुआ है तो आप सिंपली अपने NIC और अपने पासवर्ड से लॉगिन करेंगे. अगर आपका NIC नहीं बना हुआ है, सॉरी आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो आपने यहाँ पर जो है वो पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा. तो अकाउंट बनाने के लिए आपने जो है वो ये साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ये जो भी डिटेल्स मांग रहे हैं वो आपने देनी है, जिसमें आपका नाम है, आपका लास्ट नेम है, और पासवर्ड आपने यहाँ पर एक लिखना है कंफर्म पासवर्ड. आपने नेशनलिटी अपनी सिलेक्ट करनी है, NIC अपना सिलेक्ट करना है, और अपना सेल फ़ोन यहाँ पर देना है. उसके बाद अपना जो है वो CNIC, उसके बाद सबमिट करना है. जैसे सबमिट करेंगे तो आपके पास एक वेरिफिकेशन की ईमेल आएगी, उस ईमेल को क्लिक करके आप अपना जो है वो अकाउंट वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई करने के बाद आप वापस इस लिंक पर आएंगे और यहाँ पर जो है वो अपना आप NIC एंटर करेंगे, ठीक है. अब मैं अपना जो है वो ई पोर्टल इसको लॉगिन करता हूँ. तो जैसे ही आप अपने ई पोर्टल में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर जो है वो एक अनाउंसमेंट का सेक्शन है. तो यहाँ से आप देखेंगे तो ऊपर ये लिखा हुआ है USAID फंडेड मेरिट एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम ओपन टिल 25 सितंबर 2021. तो आपने क्या करना है, अपने ई पोर्टल में आप जैसे आते हैं तो आपके पास जो है वो यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होगा, ये देखें ये वाला, यहाँ से आपने क्लिक करना है. जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास जो है वो ये वाला फॉर्म जो है वो ओपन होगा, जिसमें पहले नंबर पे जो है वो आपकी पर्सनल डिटेल है, जिसमें आपका अपना नाम आएगा. यहाँ पर आपका नाम है, यहाँ पर टाइटल, यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, यहाँ पर आपका मिडिल नेम, यहाँ पर आपको अपनी एक पिक्चर अपलोड करनी है, यहाँ पर जो है वो लास्ट नेम आपने देना है. उसके बाद यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपने देना है कि आप सिंगल हैं. उसके बाद बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, एज देनी है यहाँ पर कितनी है आपकी. उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करना है. उसके बाद रिलीजन आपने अपना सिलेक्ट करना है कौन सा है. डोमिसाइल प्रोविंस आपने अपना सिलेक्ट करना है और डोमिसाइल सिटी आपने सिलेक्ट करना है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने अपना सिलेक्ट करना है. उसके बाद जो है वो नीचे जैसे आते हैं तो आपके पास ये फादर्स इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपने आपको अपने फादर की इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें आपके फादर का नाम, आपके फादर का CNIC नंबर और उनका स्टेटस कि अलाइव है या डिकेज है. उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मर है. मैंने यहाँ पर फार्मर लिखा है आपको समझाने के लिए. आपका जो भी है वो आपने दे सकते हैं. उसके बाद जो है वो अगर एम्प्लॉयड है तो यहाँ पर आप टिक लगाएंगे, ठीक है, अगर एम्प्लॉयड है तो. उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपने अपनी पोस्टल एड्रेस देनी है और यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर कंट्री, यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने अपना पोस्टल कोड देना है, यहाँ पर आपकी एड्रेस.
उसके बाद जैसे आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपने नेक्स्ट करना है। अमूमन होता तो ये है कि जो HEC का अकाउंट जिसका भी बना होता है हायर एजुकेशन का, तो उसमें जो है वो पहले से इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने क्या करना है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये आपकी सारी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपको अपनी एकेडमिक की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर जो है वो बैचलर्स मास्टर 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, तो आपकी जो है वो पिछले जो भी आपकी एजुकेशन है किसी भी इंस्टीट्यूट में, यानी कि यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट में, वो आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद कौन से ईयर में आपने पास किया था अपना मास्टर या बैचलर, तो वो आपने ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद मंथली आपकी फ़ीस वगैरह कितनी थी, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पर लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स या CGPA जो होता है, अमूमन CGPA होता है अपना यूनिवर्सिटी में, तो वो आपने यहाँ पर देना है। मैंने मार्क्स लिखी थी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो आपका जो भी CGPA वगैरह है वो आपने लिखना है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर आपकी ऑब्टेन मार्क्स वगैरह कितनी है, तो वो आपने लिखनी है। आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन की या आपका CGPA क्या था। यहाँ पर मैंने जो है वो मैं 4 लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है वो मैं 3.5 लिखता हूँ। तो उसके बाद ये आपकी जो है वो करंट एजुकेशन है कि करंटली आप कहाँ पढ़ रहे हैं, तो वो आपने अपनी यूनिवर्सिटी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। ये सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपने इसमें जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करना है। और डिग्री लेवल आपका कौन सा, कि आप ग्रेजुएट हैं, और डिसिप्लिन जो है वो आपका कौन सा है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह हैं, वो आपने सिलेक्ट करना है। सब डिसिप्लिन आपका क्या है वो आपने सिलेक्ट करना है। और प्रोग्राम की ड्यूरेशन क्या है, यानी कि 1.5 साल है, 1 साल है या 2 साल है, तो वो आपने सिलेक्ट करनी है। और करंट सेमेस्टर आपका कौन सा है वो आप सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये बैचलर्स मास्टर वालों के लिए, मास्टर वालों के लिए, बैचलर्स वालों के लिए नहीं है, उसके लिए ही, उस वजह से यहाँ पर जो है वो सेमेस्टर 2 ही सेमेस्टर हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है ना वो बैचलर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, पहले भी मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर मास्टर, MBA, MS, MPhil वाले जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आपने देना है, या अपना रोल नंबर वगैरह जो भी होता है वो आपने देना है। देने के बाद आपने जो है वो क्या करना है, आपने सेव एंड क्लोज पे क्लिक करें या आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो है वो सारी फादर की इन्फॉर्मेशन होगी, जिसमें आपको अपने फादर की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जिसमें फादर का नाम है और मतलब तहसील आपकी कौन सी है, और फादर प्रोफेशन अर्निंग करते हैं या नॉट अर्निंग करते हैं, ठीक है। अगर अर्निंग करते हैं तो उनका ऑक्यूपेशन वगैरह आप लोग को देना है, ठीक है। फादर का फादर एम्प्लॉय नेम और फादर डिजिग्नेशन कि क्या काम करते हैं, और फादर NTN, ये वाला अगर किसी के पास नहीं है, ये टैक्स वगैरह का सिस्टम होता है, वो आप नॉट अप्लीकेबल लिख दें। उसके बाद फादर टैक्स पेड, ये भी आप NA लिख दें। और फादर का प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशन जो भी है आपने वो लिखना है। उसके बाद जो है वो अदर फादर प्रोफेशन कोई और है तो वो आपने देना है, अगर नहीं है तो छोड़ दें, अगर है तो वो आपको देना है। उसके बाद जो है वो एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर की एड्रेस देनी है, और टेलीफोन नंबर देना है आपने अपना, और मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये आपने टिक करना है कि फाइनेंशियल सपोर्ट अदर देन फादर, अगर फादर के अलावा अगर कोई आपको और सपोर्ट कर रहा है तो वो आप यहाँ पर टिक लगा सकते हैं, यानी कि अगर आपका आपका भाई है, या आपकी माँ है, या आपका कोई आपकी ग्रैंड मदर है, ठीक है, या सिस्टर है, या कोई और गार्डियन है, अंकल है, तो वो आपने यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट करना है। मैंने तो यहाँ सेल्फ पे लिखा है क्योंकि फादर के अलावा मुझे कोई और सपोर्ट नहीं कर रहा है, और ये मैंने आपको समझाने के लिए ही मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इसमें अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो है वो मदर की इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपकी मदर का नाम है, मदर का CNIC है, और मदर का स्टेटस आपने देना है, लाइव है या डिकेज है। उसके बाद जो है वो प्रोफेशन स्टेटस क्या है, कि हाउस वाइफ है या वर्किंग लेडी है। वर्किंग लेडी होगी तो आपने उनकी डिटेल देनी है, अगर हाउस वाइफ है तो आपने हाउस वाइफ पे क्लिक टिक करना है।
पेरेंट्स मदर रिलेशन के आपका रिलेशन आपके मदर और फादर का क्या था, कंबाइंड या सेपरेट, वो आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपका जो है CNIC है, उनकी एक्सपायरी डेट देनी है। अब जैसे नीचे आते हैं तो आपके पास जो है ये फैमिली मेंबर इंफॉर्मेशन है, जिसमें आपने टोटल फैमिली मेंबर देने हैं कितने हैं और टोटल अर्निंग कितने करते हैं। उसके बाद ब्रदर्स आपके कितने हैं और डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स कितने हैं, यानी कि जो अर्निंग करते हैं ना, अर्निंग के अलावा कितने डिपेंडेंट मेंबर्स हैं वो आपने लिखने हैं। उसके अलावा स्टडिंग फैमिली मेंबर्स के कितने आपके जो है वो फैमिली मेंबर्स जो के पढ़ रहे हैं वो आपने लिखना है तादाद, और आपकी सिस्टर्स कितनी हैं वो आपने लिखना है। उसके बाद ये जो है वो फैमिली इनकम है। अभी इसमें यह है कि आपने यहाँ ऐड मोर पर क्लिक करके आपको अपने इनकम का, फैमिली इनकम का जो है वो देना है सारा, जिसमें यह है कि नेम ऑफ द अर्निंग पर्सन, आपकी फैमिली में कौन कौन अर्निंग कर रहा है उनका नाम देना है, और वो क्या काम करते हैं, टीचर है बाय प्रोफेशन या लेबर है या जो भी है वो आपने प्रोफेशन उनका देना है। उसके बाद फाइनेंशियली सपोर्टिंग फैमिली, क्या ये आपकी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपने यस लिखना है। उसके बाद इसका आपके साथ रिलेशन क्या है, कि आपका फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, जो भी है वो आपने टिक करना है। और ग्रॉस इनकम यानी कि उतनी उसकी जो है वो ग्रॉस इनकम कितनी है, और नेट इनकम जो होती है वो एक्सपेंसेस के बाद जो इनकम बचती है उनको हम नेट इनकम कहते हैं। ये वाली जो है वो मंथली इनकम होती है, ठीक है, ग्रॉस यानी कि टोटल आपकी कितनी इनकम है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो एक्सपेंसेस के बाद जो बचता है कोई मतलब बचते हैं पैसे, तो वो आपने देना है नेट इनकम है, ठीक है। इस तरह से आप जो भी आपकी फैमिली इनकम का सोर्स है वो आप वन बाय वन देंगे, यानी कि जो भी आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी फैमिली को। तो इसी तरीके से आप जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपकी टोटल इनकम, ग्रॉस इनकम यानी कि आपकी टोटल इनकम शो होगी, और उसके बाद ये वाली जो इनकम है आपके एक्सपेंसेस के बाद जो है वो बचती है, वो आपकी नेट इनकम है। उसके बाद जो है वो आपने अगर यहाँ पर ये है कि इनकम फ्राम अदर सोर्सेज, अगर कोई और सोर्स है इनकम का वो आपने अगर है तो यहाँ पर एड मोर पर क्लिक करके आपने दे देना है। उसके बाद सिंपली आपने जो है वो नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये जो है वो आपका करंट मंथली एजुकेशनल एक्सपेंडिचर है, जिसमें आपका जो है वो पूरा एजुकेशनल का एक्सपेंडिचर है वो देना है। अब याद रहे इसमें आपका अपना नहीं देना, ठीक है, आपके अपना जो है वो यहाँ नीचे देना है। यहाँ पर मेंशन भी है, ये देखें नोट, डू नॉट इंक्लूड योर पर्सनल एजुकेशन एक्सपेंडिचर इन दिस टेबल। तो यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेंबर्स के जो एक्सपेंसेस हैं यानी कि एजुकेशन के वो देने हैं, जैसे कि आपके अगर कोई भाई या सिस्टर वगैरह पढ़ रही है तो उसका आपको उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है, उसका नाम और रिलेशनशिप उनका क्या है एप्लीकेंट के साथ, और इंस्टीट्यूट नेम, उसके बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट प्राइवेट है या पब्लिक है, और उनका क्लास या सेमेस्टर कौन सा है, मंथली एजुकेशन उनका एक्सपेंडिचर कितना है। इसी तरीके से आप जो है वो एड मोर पर क्लिक करते जाएंगे और वन बाय वन आपने जो है वो एजुकेशनल एक्सपेंडिचर देते जाना है और सेव करते जाना है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो सेल्फ़ एजुकेशन एक्सपेंडिचर है, जिसमें आपने जो है वो इंक्लूड करना है अपना ट्यूशन फ़ी, लॉजिंग चार्जेस वगैरह, तो जो भी आपका खर्चा आता है एजुकेशन का आपका सेल्फ एप्लीकेंट का, वो आपने टोटल यहाँ पर देना है। उसके बाद नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पर मंथली फैमिली एक्सपेंडिचर, अब यहाँ पर जो है वो आपको अपना मंथली जो भी फैमिली का एक्सपेंडिचर वगैरह आता है वो आपने देना है, जिसमें आपका एवरेज टेलीफोन इंटरनेट बिल्स लास्ट 6 मंथ, गुजरे 6 माह के आपके जो है वो कितना बिल वगैरह आता है यानी कि टेलीफोन इंटरनेट वगैरह का, उसके बाद एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह कितना आता है लास्ट 6 मंथ का वो आपने देना है, और गैस वगैरह इनका भी इसी तरीके से लास्ट 6 मंथ का कितना आता है वो आपने एवरेज सबका निकालना है और वो आपने देना है। उसके बाद जो है वो एवरेज वाटर बिल्स ऑफ लास्ट 6 मंथ, तो आपका वाटर बिल जो है वो कितना आता है एवरेज उसका, वो भी आपने देना है, और इसी तरीके से मोबाइल बिल वगैरह कितना है, और एवरेज फैमिली एक्सपेंडिचर ऑन किचन फूड
यानी कि आपका फूड वगैरह या किचन पे कितना खर्चा आता है वो आपने देना है। उसके बाद जो है वो एवरेज फैमिली मेडिसिन एक्सपेंडिचर, तो मेडिकली आपका कितना एक्सपेंसेस वगैरह आता है वो आपने देना है। और उसके बाद एवरेज फैमिली मिस MISC, तो ये एक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होता है, अगर हो रहा है तो आपने देना है, वरना आपने 00 लिख देना है, ठीक है। अगर हो रहा है तो आपने दे देना है। अब ये जो आपकी इनकम होती है वो टोटल मंथली एक्सपेंडिचर आपकी इनकम होती है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे अकोमोडेशन एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है कि आपका जो है वो घर है वो किस टाइप का है, विलेज है या टाउन है, या आपका जो है वो अपार्टमेंट फ्लैट या बंगलो वगैरह है, तो वो आपने टिक करना है। तो मैं यहाँ पर जो है वो विलेज हाउस लिखता हूँ। उसके बाद स्ट्रक्चर आपके हाउस की कौन सी है, कि पक्का हाउस है, सेमी पक्का हाउस है या कच्चा हाउस है, तो मैं यहाँ पर कच्चा हाउस पे क्लिक करता हूँ। स्टेटस क्या, यानी कि आपका अपना है या गवर्नमेंट वगैरह का है या एम्प्लॉयर का है या फैमिली अकाउंट है, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ बेडरूम्स वगैरह, यानी कि आपके घर में बेडरूम्स वगैरह कितने हैं वो आपने सिलेक्ट करने हैं। टोटल साइज़ ऑफ़ द हाउस इन स्क्वायर फिट, कितनी आपकी जो है वो साइड अपनी साइज़ बनती है स्क्वायर फिट में, वो आपने देनी है। और कवर्ड एरिया, यानी कि कितना एरिया कवर करता है आपका जो ये घर वगैरह जिसमें बना हुआ है, वो आपने देना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ एयर कंडीशनर कितने हैं, मैंने तो यहाँ 0 किए हैं भाई, एयर कंडीशनर कहाँ होते हैं। उसके बाद जो है वो नंबर ऑफ सर्वेंट्स कितने हैं, तो वो आपने देने, अगर हैं तो दे दें, मैंने तो यहाँ 0 लिखा है। और एड्रेस आपने देनी है अपनी। उसके बाद ये जो है वो नॉट रीयूजेबल इनकम, नेट रीयूजेबल इनकम, टोटल मंथली ग्रॉस इनकम, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर, तो ये आपकी जो है वो टोटल मंथली इनकम होती है, ये जो टोटल मंथली एक्सपेंसेस आपके होते हैं। और यहाँ पर आप नोट करेंगे कि अगर आपके फैमिली में ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है तो यहाँ पर जो है वो माइनस में आएगी पैसे, ठीक है, और आपकी जो मंथली इनकम है उससे जो है वो माइनस में आएंगे। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर उसका रीज़न देना है, ठीक है, रीज़न लिखना है कि इस गैप को आप कैसे मेंटेन करते हैं और क्या रीज़न है कि आपकी जो है वो इनकम नेगेटिव आ रही है। अगर नेगेटिव आ रही है तो इस गैप को आप फिल करने के लिए क्या करते हैं, तो उसका रीज़न सिंपली आपने लिखना है। अब रीज़न में आप यही लिख दें कि मेरा भाई जो है वो साइड में वो भी काम करता है, मैं ट्यूशंस वगैरह पढ़ाता हूँ, या कोई भी और रीज़न आप लिख दें जिससे कि उनको पता चले कि ये गैप जो है वो मेंटेन हो जाता है। एनी अदर अकोमोडेशन, कोई और अकोमोडेशन है तो वो आप दें, वरना इसको नो लिख दें और आप नेक्स्ट करें। अब नेक्स्ट करते ही आपके पास जो है वो ये एसेट डिटेल्स है, जिसमें अगर आपके पास जो है वो एनी मतलब ट्रांसपोर्ट वगैरह है, फैमिली ऑन एनी ट्रांसपोर्ट, तो आपने यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। अगर यस करना है तो उनकी डिटेल भी देनी है और उनकी कॉस्ट क्या है वो भी आपने देनी है। तो आपने, मैं तो यहाँ नो लिख रहा हूँ। और केटल्स डिटेल, अब केटल्स में ये है कि अगर कोई फैमिली की ऑन केटल वगैरह है तो वो आपने देनी है। उसके बाद जो ये है वो असेस्ड वर्थ करंट मार्केट वैल्यू, तो जो भी आप ऊपर इंफॉर्मेशन देंगे उनकी जो है वो आपने यहाँ पर डिटेल भी देनी है। तो यहाँ पर जो है वो अदर हाउस वगैरह है तो उनकी क्वांटिटी क्या है और करंट मार्केट वैल्यू क्या है उसकी, ये मैंने 00 इसलिए लिखा है कि मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर आपका ये वाला सेक्शन है तो आप दे सकते हैं, जो भी करंट मार्केट वैल्यू है आपकी असेट वर्थ की, ठीक है, वो आप देंगे। उसके बाद जो बिज़नेस आपका है वो कितनी क्वांटिटी है और उनकी करंट मार्केट वैल्यू क्या है, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह कितनी है क्वांटिटी में है और उसका जो है वो करंट मार्केट वैल्यू क्या है। उसके बाद जो है वो बैंक बैलेंस क्या है आपका, क्वांटिटी उसकी देनी है। और उसके बाद करंट मार्केट वैल्यू वगैरह देनी है। और यहाँ पर जो है वो स्टॉक्स या प्राइस बॉन्ड वगैरह होते हैं उनकी डिटेल देनी है, या अपलोड वगैरह होते हैं उनकी डिटेल देनी। ये आपको, अगर आपके पास है तो आप दें, वरना ये लीव कर दें, इसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, ये जो है वो कंपलसरी नहीं है। उसके बाद एनी अदर असेट कोई और है तो आप वो भी उनकी इंफॉर्मेशन देंगे। और यहाँ पर जो है वो आपकी टोटल जो है वो वर्थ आ जाएगी ऑटोमेटिक। और यहाँ पर जो है वो आपने डिटेल ऑफ असेट ऑन लीज़, अगर कोई आपकी जो है वो लीज़ पे है तो वो भी आप दे सकते हैं।
उसकी भी डिटेल आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप नो लिखेंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करते ही ये जो हमारा फाइनल स्टेप है, जिसमें आपको जो है वो अच्छे तरीके से फिल करके आपने जो अपने फॉर्म को सबमिट करना है। अब एडमिशन डिटेल में ये है कि आपकी जो है वो हाउ वर द एडमिशन फर्स्ट सेमेस्टर करंट सेमेस्टर चार्जेस पेड। इसमें आपको ये बताना है कि आपकी जो एडमिशन है या फर्स्ट सेमेस्टर या करंट सेमेस्टर की वो कैसे पेड हुई, तो वो आपने लिखना है। हैव यू एवर बीन अवार्डेड एनी अदर स्कॉलरशिप। आपको पहले कोई स्कॉलरशिप मिली है तो आपने यस करना है, अगर नहीं मिली है तो नो करना है। उसके बाद नीचे ये वाली जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, यानी कि आपने इस स्कॉलरशिप के लिए स्टेटमेंट लिखनी है कि ये स्कॉलरशिप आपको क्यों चाहिए। सुटेबिलिटी लिखनी है जो कि मिनिमम जो है वो 15 करेक्टर्स की होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो आपने अच्छी सी SOP लिखनी है। उसके बाद नीचे जो ये है कि एडवर्टाइजमेंट डिटेल, आपको इस स्कॉलरशिप का कैसे पता चला, तो आप यहाँ पर किसी का भी लिख मतलब टिक कर दें, रिलेटिव का या फ्रेंड का। उसके बाद ये जो है वो यहाँ पर लास्ट स्टेप है, जिसमें अंडरटेकिंग आपने टिक करके आपने जो है वो अपने फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने से पहले अगेन मैं आपको बोलूँगा कि आपने सेव एंड क्लोज़ करना है। उसके बाद एक बार दोबारा अपने फॉर्म को चेक करें, अगर कोई मिस्टेक वगैरह है तो आप अच्छे तरीके से उसको फिल करें दोबारा, और फिर आप जो है वो सबमिट करें ताकि आपके फॉर्म में जो है वो मिस्टेक ना हो। जैसे आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर जो है वो आपका फॉर्म शो होगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर, और सिंपली आपने जो है वो जैसे आप सबमिट करेंगे, मैंने यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक किया था, उसके बाद यहाँ पर जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा। आप जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप अपना जो है वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो हमारी यहीं तक ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।